जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेल मेडिकल एजुकेशन। दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर रंधावा और आज मैं आया हूँ आप लोगों के सामने फॉर फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स स्पेशली। देखो यार, आज मैं आया हूँ बॉक्स ओपनिंग ऑफ फाइनल ईयर एमबीबीएस बुक्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास बुक्स है मेडिसिन की डेविडसन। कोई नहीं यार, छोड़ो, इतना कम्प्लेक्स क्यों करना चीज़ों को। फाइनल ईयर ऑलरेडी बहुत लेंथी होती है तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ही फटीग होते हैं, 400 ग्रेड से गुजर के प्रॉफ और आगे एनएलई एमएलई प्लेब और पता नहीं ब्ला ब्ला किन चीज़ों के बारे में। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजीएस से शॉर्टकट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो एमबीबीएस डजंट हैव एनी शॉर्टकट। तो सबसे पहले हमारी सीनियर हैं एक मोहतरमा, बहुत ही अच्छी, उन्होंने हमें सजेस्ट की कि आपने अहमद हसन, डॉक्टर वकार अहमद जिस तरह, उसी तरह अहमद हसन एक बुक है पीट्स की, तो ये मैंने सबसे पहले जाते ही बाय की। और इसके साथ मैंने जो पीट्स के लिए मेन बुक जो बाय की है वो है, देखो यार, मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट करके जो मेन बुक्स खरीदी हैं मैं उनकी बुक ओपनिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने भी यही बुक्स बाय करनी है, ये जस्ट फॉर रिव्यू और जस्ट फॉर आइडिया, जस्ट फॉर कंसल्टेशन कि भाई आप लोगों के पास ये ऑप्शंस हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ये कर सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, मैंने ही कहा है तो यही लेनी है, मैं अपना बता रहा हूँ भाई। तो जनाब पीट्स के लिए मैंने ली है परवेज अकबर, ठीक है। ये बेसिकली दो बुक्स होगी, यानी कि एक लेंथी बुक होगी, बड़ी बुक होगी, और एक शॉर्ट बुक होगी। जिस तरह हम फिजियो में पहले करते होते थे, गाइटन ले ली, गाइटन हॉल और बाद में फिर दो सौ एट दिन फिर दो से पढ़ते होते हैं, ठीक है। साथ मैंने इंटरेस्टिंग बड़ी ही बुक्स ली हैं जो सीनियर से जिस तरह बताया, वैसे ही सारी बुक्स यार मैं सीनियर से कंसल्ट करके लेता हूँ, एम अंदाजा नहीं लेता होता, ठीक है। गाइनी और ऑब्स के लिए हमें 10 टीचर्स, वाओ, देखो यार 10 टीचर्स का पढ़ाया हुआ, जब आपका भाई पढ़ेगा तो शायद पास तो हो ही जाएंगे यार इंशाल्लाह, क्योंकि मेन गोल एमबीबीएस में पास होना होता है। और फाइनल ईयर एमबीबीएस में तो स्पेशली मेन गोल हर एक बच्चे का सिर्फ पास होना होता है, तो जब पास होना है तो उसकी जरूरी है कि आपके पास पास पेपर्स हों। पास पेपर्स को हम एंड में रखते हैं, पहले हम बाकी डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब जनरल सर्जरी और सिस्टमिक सर्जरी में मैंने बुक्स ली हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर, ये सर वो अब्दुल वहाब डोगर वही हैं जो गैम्बेट इंस्टीट्यूट में चला रहे हैं सारा, वो आपने लीवर ट्रांसप्लांट का देखा भी होगा सोशल मीडिया पे। तो जीएस और एसएस जो सिस्टमिक सर्जरी है ये दोनों मैंने अब्दुल वहाब डोगर के लिए हैं, ठीक है। तो बाकी रहेगी पीछे हमारे पास मेडिसन में फिर हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं जो हमारी मेन बुक थी वो है ओरिजिनल। देखो यार, यहाँ मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि जो बुक बाय करते होते हैं ना, हम लोग बेसिकली ये करते होते हैं कि हम लोग मेट में लेते होते हैं, ओरिजिनल जो अच्छा प्रिंट होता है ना उसमें लेते होते हैं। कोई भी मेरी बुक खोल के देखें, क्यों? क्योंकि इससे पढ़ना होता है और अपने मेडिकल स्टूडेंट को बेसिकल जो एक बुक बाय कर लेता है फॉर लाइफ संभाल के रखनी पड़ती है, वक्त का तकाजा है, ज़रूरत इम्तहान का तकाजा है इस वजह से। तो जनाब मैं तो इस वजह से मेट में लेता हूँ ओरिजिनल। आप अब तो मार्केट में बहुत सारे पेपर आ गए हैं, कॉपी न्यूज़पेपर ब्ला 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 मतलब बहुत कुछ आ गया, तो मेरी अब सारी बुक्स देख लें जो भी बुक्स होंगी तो वो बेसिकली सारी इसी में ही होती हैं, मेट में ही होती हैं। ये बहुत अच्छी बुक है हमें मेडिसिन के लिए, सीनियर सजेस्ट की स्टेप अप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ब्ला 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 ब्ला, जो आप एमएलई के स्टूडेंट से सुनते होंगे। तो ये स्टेप अप ली है, सारी बुक्स ही मेट में ली हैं, ठीक है। तो ये द माइटी बुक फॉर मेडिसिन डेविडसन, पता नहीं स्टूडेंट्स को पढ़ने नसीब होगी भी कि नहीं, लेकिन शौक में ले ली है। बहुत सारे डॉक्टर्स टीचर्स हमारे प्रोफेसर जी भी कह रहे थे बैले अन लेवल लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, लेकिन हमने अपनी औकात भी तो देखनी होती है भाई कि बुक्स हम वो लें जो एट द एंड ऑफ डे पढ़ सकें। ये ना हो कि एट द एंड ऑफ डे एग्जाम, ऑन द डे ऑफ एग्जाम हम पास पेपर खोल के बैठे हो। तो पास पेपर की बात होगी तो मैं बता ही दूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनके ऑथर से भी, और वैसे भी तो मैं फर्स्ट एड ही यूज़ कर रहा हूँ फॉर फाइनल ईयर एमबीबीएस। इसके दो एडिशन दिए थे, पहले हम जाकर शौक हो गए थे, मैंने कहा कि बुक स्टोर को मैंने जुबैर बुक डिपो से लेते हैं क्योंकि उनके रेट्स रीजनेबल होते हैं, रिकमेंडेड बाय उमेर भाई। तो बेसिकली ये सीन होता है कि ये रेट्स इनके रीजनेबल होते हैं, तो इस वजह से हम लोग जुबैर बुक डिपो से ही लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें मैंने कहा कि यार फर्स्ट एड फाइनल ईयर की बस एक ही बुक चाहिए, उन्होंने कहा वो किस दुनिया में ले रहे हो भाई, फाइनल ईयर में दो दो पास पेपर की बुक्स होती हैं। तो अब ये दो पास पेपर की बुक्स हमें रटनी होंगी प्रॉफ को पास करने के लिए, जो कंसेप्ट है, जो सारा कुछ है, नॉलेज गेन करना है ऑब्वियसली वो इन्हीं बुक से करना है। अभी एक और बुक भी मेडिसिन के लिए हम ढूंढ रहे थे, इरफान मसूद, वो भी एक सीनियर ने बताई थी, लेकिन वो हमें मार्केट में मिली नहीं क्योंकि बहुत ही शॉर्ट हुई थी, हम भी शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, इसी वजह से वो शॉर्ट होगी ज्यादा ही, तो वो नहीं मिल सकी। लेकिन अभी तक इन्हीं बुक से गुजारा करते हैं, इन्हीं को हजम करने की, देखने की, पिक्चर्स वगैरह से शुरू करते हैं, लेट्स सी देखो क्या बनता है। शुरू में तो यही होता है यार, शौक होता है, नई बुक आई है देखते हैं पेज खोल के, कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो खुशबू सुन के हम इतनी महसूस होते हैं, देखो कितने प्यारे बच्चे की, छोटे छोटे बच्चों की पिक्चर्स बनी हुई है। अच्छा, तो साथ में एक बुक और बता दूं आप लोगों को जो मैंने ली है फॉर वार्ड्स। देखो फाइनल ईयर में वार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में थे कि आप मुफ्ता मार लेते थे, इधर उधर बंक मार लेते थे, तो इंजॉयमेंट हो जाती थी, थोड़ा इजी बिजी रिलैक्सिंग होता था, लेकिन फाइनल ईयर में
वार्ड्स मैंडेटरी हैं, आप वार्ड्स नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने दो बुक्स ली हैं शॉर्ट, यही एक तो है बेडसाइड टेक्निक्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इससे हम हिस्ट्रीज लिया करेंगे पेशेंट्स की, भाई के बाजी तन की मसला है, तनु की हुंदा है, कीवें 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 ते कीवें, ठीक है। बेडसाइड टेक्निक के अलावा एक और बुक भी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो है बेडसाइड मेथड्स। ये भी हम एक जो हमारी मैम है डेमो, उन्होंने रिकमेंड की थी कि आप ये भी ले सकते हो, इट्स जस्ट एन ऑप्शन, मैंडेटरी बुक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी बुक्स ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम डॉक्टर रंधावा, सी यू सून, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग टेलीमेडिकल एजुकेशन, थैंक यू।